Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and listeners, as you know, we completed a direct and indirect narration as well. So today we are going to begin a part of speech, right? First of all, we talked about tenses and completed the 12 tenses. Then we completed active and passive voice in detail. After that, direct and indirect also come under discussion in detail, and we finished safe and sound yesterday. Today we are going to begin the parts of speech and grammar parts, and the language is going side by side. And language level 1 is going, and after that level 2, level 3, level 4, inshallah, we will do. So try to watch the video completely in order to understand it very well. So today we are gonna begin the parts of speech. What we are going to begin? Parts of speech. Ajza-i kalam. Parts mean hisse ya ajza, and speech mean kalam ya baaton ke hisse. पार्ट्स ऑफ स्पीच का आम तौर पर मतलब ये है कि जब हम बातें करते हैं तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं, और टोटल नंबर पार्ट ऑफ स्पीच के 8 है। बस ग्रामेरियन 9B कहते हैं, वो कहते हैं कि आर्टिकल जुदा पार्ट ऑफ स्पीच है और एडजेक्टिव जुदा है, और बस कहते हैं कि ये 8 है, आर्टिकल असल में एडजेक्टिव का एक हिस्सा है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम मुंह से जितने भी अल्फाज निकलते हैं तो ये कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि अभी हम डिस्कस कर लेंगे, नाउन है, या जब हम बातें करते हैं तो कोई इसम बोलते हैं, प्रोनाउन या इसमें ज़मीर बोलते हैं, वर्ब कोई फेल बोलते हैं, एडजेक्टिव किसी इसमें सिफत के बारे में बात करते हैं, एडवर्ब किसी मुतालिक फेल के बारे में बात करते हैं, सिमिलरली प्रीपोजिशन हर्फ जार के बारे में बात करते हैं, कंजंक्शन हर्फ यातप होता है, इंटरजेक्शन मीन कोई हर्फ निदा होती है। तो जब हम बातें करते हैं तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई न कोई ऐसा होता है, कोई भी आवाज़ ऐसा नहीं है कि जो एक पार्ट ऑफ स्पीच पर मुश्तमिल ना हो। ख्वा अगर बेमाने लफ्ज भी हो जो खुशी या गम के वक्त हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं और इनका कोई ख़ास माना नहीं होते हैं, तो वह भी इंटरजेक्शन होते हैं और वो भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मुख्तसर तारुफ यही है कि हम जो भी बात बोलते हैं तो हम कोई न कोई, जो भी लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलता है वो कोई न कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आपस में गुल मिल जाते हैं तो इससे जुमले बनते हैं, और हमारा कलाम और हमारे लैंग्वेज और सब कुछ आगे डेवलप होते हैं। तो यहाँ भी हमने यही बात ज़िक्र किए हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यू शुड लिसन इट डियर व्यूअर्स ड्यूरिंग आवर डिस्कशन। जब हम डिस्कशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बहस मुबाइसा करते हैं, बातें करते हैं, सो वी यूज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। हम मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू कन्वे आवर थाट्स, फीलिंग, एमोशन एट्सेट्रा टू अदर पीपल, ताकि हम अपने ख्यालात को, एहसासात को, जज्बात वगैरह को दूसरे लोगों को मुंतकिल करें। तो इसके मुंतकिल करने के लिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर देट वी यूज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। इन्हीं जज्बात, एहसासात वगैरह दूसरों को मुंतकिल करने के लिए हम मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, एनी काइंड ऑफ वर्ड, किसी भी किस्म का लफ्ज विच कम्स फ्राम आवर माउथ, जो हमारे माउथ से, हमारे मुँह से निकलते हैं, बिलोंग टू द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ रखता है। दैट इज़, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस आर काइंड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अल्फाज मुख्तलिफ क्लासेस में या मुख्तलिफ काइंड्स में तकसीम हो चुका है।
अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन इन अ सेंटेंस, उनके फंक्शन के मुतालिक, उनके काम के मुतालिक एक जुमले में। जुमले में मुख्तलिफ अल्फाज के मुख्तलिफ काम होते हैं और इस तरह ये मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम होते हैं। विच आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, इनको पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, इन ही अल्फाज को। और पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल, जैसे हमने कहा कि 8 इन नंबर है, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। सो दे आर द फर्स्ट वन नाउन, नाउन मीन इसम, प्रोनाउन इसम ज़मीर जो इसम के लिए इस्तेमाल होती है। एजेक्टिव डी साइलेंट है इसमें, एजेक्टिव इसम सिफत जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी को जाहिर करती है, राइट। इसी तरह वर्ब फेल है जो किसी काम को जाहिर करती है, एक्शन को जाहिर करती है। सिमिलरली एडवर्ब जो मुतालिक फेल होता है यानी फेल के माने में मज़ीद इजाफा करता है, या एडवर्ब के बारे में दूसरे एडवर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में कुछ इजाफा करता है। इसी तरह प्रीपोजिशन हर्फ जार होते हैं जो छोटे छोटे अल्फाज हैं जो नाउन प्रोनाउन से पहले लगाए जाते हैं ताकि बाकी मानदा जुमले से इस नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक कायम किया जाए, जैसे एन, आन, एट, ऑफ, विद, एट्सेट्रा। दीज आर प्रीपोजिशन। कंजंक्शन हर्फ यातब है जो दो अल्फाज को मिलाते हैं, दो क्लाजेस को मिलाते हैं, दो फ्रेजेस को मिलाते हैं या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस को। तो इस किस्म के लफ्ज को कंजंक्शन हर्फ अतफ, अतफ मीन मिलाने वाले हरूप कहा जाता है। और इंटरजेक्शन है लास्ट वन, इंटरजेक्शन मीन हर्फ निदा जो खुशी, गम, हैरानगी के वक्त हमारे मुँह से निकलती है, तो यही हर्फ निदा होती है, इंटरजेक्शन होती है। अगर हम एक जुमला यहाँ पर शॉर्ट निकले, डियर व्यूअर, सो इट विल बी क्लियर, गेट क्लियर टू यू। वी विल राइट अ शॉर्ट सेंटेंस ओवर हियर एंड दैट इज ओ बिलाल वेंट टू पिशावर यस्टरडे एंड बॉट अ ब्यूटीफुल फैन फॉर हिज मदर। ओ बिलाल वेंट टू पिशावर, बिलाल वेंट टू पिशावर yesterday and bought a beautiful fan for his mother यानी बिलाल की जो मदर थी उनके लिए। तो यह अगर हम इसको गौर से देख लें, ये ओ जो है ये इंटरजेक्शन है, क्या है, इंटरजेक्शन है। बिलाल अ नाउन है, वेंट वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, पिशावर बी नाउन है ऑलरेडी, यस्टरडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन है, हर्पियातब है, बॉट बी वर्ब है, आ आर्टिकल है, और ब्यूटीफुल एजेक्टिव है, एजेक्टिव है इसमें सिफत है। पेन अगेन नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, नाउन और प्रीपोजिशन तो पहले भी, हैज प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, और मदर बी अगेन नाउन है। तो अगर हम यहाँ देख लें तो इसी जुमले में 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं, इंटरजेक्शन भी इस्तेमाल हुआ, नाउन भी इस्तेमाल हुआ, वर्ब भी इस्तेमाल हुआ, प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल हुआ, एडवर्ब भी इस्तेमाल हुआ है, कंजंक्शन भी इस्तेमाल हुआ है, आर्टिकल भी इस्तेमाल हुआ है, एजेक्टिव भी इस्तेमाल हुआ है और प्रोनाउन भी इस्तेमाल हुआ। तो मतलब जुमला एक है लेकिन 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि कौन सा लफ्ज़ कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इससे फिर हमारा इंग्लिश मज़ीद बेहतर से बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। बाज़ औक़ात डियर व्यूअर ऐसे भी होते हैं कि एक लफ्ज़ मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ माने देते हैं, तो लफ्ज़ एक होता है लेकिन माने के लिहाज से वो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर हम फास्ट कहे, सो बिलाल इज़ अ फास्ट बॉलर, सो यहाँ फास्ट और बॉलर, बॉलर के माने में इस्तेमाल हुआ, तो बॉलर है लेकिन तेज़ बॉलर है, एजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ। सिमिलरली वी आई एम
विथ पास्ट टुडे, आज मैं रोज़ा से हूँ। तो पास्ट का एक माना रोज़ा भी है, यहाँ नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ, राइट। और अगर हम कहें खालिद रन पास्ट, दौड़ता है लेकिन तेज़ दौड़ता है, तो यहाँ पास्ट बतौरी एडवर्ब इस्तेमाल हुआ। जैसे हम पुश्तों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उर्दू में भी एक लफ्ज़ है लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ माने देते हैं। पुश्तों में अगर हम एक मिसाल दे दें तो बर्फ़ के लिए वावरा, वावरा वावरा रावड़ा मीन वावरा बर्फ़ के लिए बतौर नाउन इस्तेमाल होती है। लेकिन दूसरा सुनो, मेरे बात सुनो, दमा खबर वावरा, नुदगा वो एक ही वावरा लफ्ज़ है लेकिन दो मुख्तलिफ मानों में, एक बतौर वर्ब और दूसरा बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है। या इसी तरह अगर हम एक और पुश्तों वाला जुमला कहें, वली द वले वली वली वले, यानी वली एक आदमी का नाम है, वलिया भी एक नदी का नाम है, वली एक दरख्त का नाम है, और वली मीन क्यों, और वले मीन वर्ब है थ्रू, राइट। तो एक लफ्ज़ बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, हमें ये जहन में रखनी चाहिए। जब हम आप ये सही तौर पर इंशाल्लाह लर्न करें, सीख ले, तो इट विल बी ईजी फॉर यू और टू नो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ट्राई टू शेयर द वीडियो विद योर नियर एंड डियर वन। थैंक्स अ लॉट।